हेलो एवरीवन, इतना ज़बरदस्त मौसम है ना। आपको मैं फिर से टोपी के साथ दिख रही हूँ बीबी। ठंड बहुत ज़्यादा है, नाक बह रहा है मेरा, पानी बह रहा है नाक से, और टोपी टोपी पहन ली। यहाँ के लोग बोल रहे जोकर बन के घूम रही हूँ। अगर यहाँ पे कोई इंडियन मिल गया तो समझ गया रहेगा, इसको पकड़ के ठंडी लगता है। हाँ बहुत ठंडी है। जब मैं आई थी अक्टूबर सेप्टेम्बर एंड में, वैसी वाली ठंड फिर से हो गई। बहुत ज़्यादा हाथ ऐसे भूख रहे ना, बहुत ठंड हो गई है, नाक बह रहा है। मैं निकली तो काफ़ी देर से हूँ, अपना वीडियो मेरे को अपलोड करना है ना कल सुबह के लिए, तो वो वीडियो काफ़ी बड़ा था, मुझे कुछ वीडियोस डिलीट करने पड़े। अच्छा, मैंने वो SSD मंगाया था, अभी तक यूज़ ही नहीं किया, मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा। दो तीन बार बैठी हूँ उसको ले मेरे दिमाग में ही नहीं जा रहा तो देखते हैं उसका भी कुछ रास्ता निकालते हैं, क्योंकि वो भी ज़रूरी है। क्योंकि जो वीडियोस बना रही हूँ मुझे डिलीट करनी पड़ रही है, क्योंकि मेरे मोबाइल पे स्पेस ही नहीं है, तो मुझे टाइम टू टाइम वीडियोस अपलोड करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, इसलिए मुझे वो डिलीट करनी पड़ रही। तो अभी मैं वही डिलीट कर रही थी, और जैसे कि आप देखते हो इन शॉर्ट में मैं बनाती हूँ, तो वो क्या इसको बोलते हैं, तो उसको इन शॉर्ट में भी वो मेमोरी अपलोड करता है ना, तो फिर उसको मैंने डिलीट किया। पहले जो वीडियोस बनाए थे काफ़ी सारे वीडियोस डिलीट हो गए यार, मुझे उसका बैकअप लेना है। बैकअप के अभी तो डिलीट ही हो गया, अभी तो बैकअप भी नहीं ले सकती हूँ। बट मेरा ये रहता है कि यार वीडियो अपलोड करनी है एनी हाउ, मेरी कोशिश यही रहती है, मैं ये रहती है कि नहीं रोज़ अपलोड करनी है वीडियो, कैसे भी करके ना 9 बजे सुबह अपलोड ही करनी है, कोई भी टाइम पे कैसे भी करके। तो इसकी वजह से मैंने वो वीडियो डिलीट की, और फिर इन शॉर्ट पे वीडियो लोड होती है ना, एक वो बनता है, क्या बनता है छोड़ जा उस पर कर रही थी करके, वो डिलीट करनी पड़ी वीडियो, फिर अभी उस पर अपलोड हो रही है, और साथ साथ में अपनी वीडियो बना रही हूँ। और आज थोड़ा अलग रास्ते से जा रही हूँ घूमने के लिए। मस्त मौसम हुआ पड़ा है यार, बहुत ज़बरदस्त है। वैसे मैं अपने घर के बाजू में जाती हूँ राउंड मारने के लिए। आज मैं जैसे पहले आती थी ना उस तरफ, तो उस तरफ आ गई हूँ आज राउंड मारने के लिए। ना पानी बहुत दे रहा है, बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चल रही है, हाथ ऐसे ना ये सुकट रहे हैं मेरे, सो मतलब रेड रेड हो रहे हैं। तो चलो छोड़ो, ठंड तो हवा चलती रहती है यहाँ पे, मौसम इंजॉय करो यार, ज़बरदस्त है, धूप आ रही है, ठंडी हवा चल रही है, बारिश आ रही है, मिक्सअप चल रहा है यहाँ पे सारी चीज़ें। अभी टाइम है, मैं 6:15-6:30 बजे कुछ निकली थी, 6:30-7 बजे निकली थी शायद। तो मैं सोच रही थी कि चलो मेरी तरफ देख, मेरी फेस को देख कर बात करते हैं। तो मैं सोच रही थी कि राउंड मार के आ जाती हूँ, थोड़ा अलग रास्ते जाती हूँ, क्योंकि अंधेरा तो लेट ही होता है, तब 1 घंटे में राउंड मार के वापस आ सकती हूँ। फिर मैगी खाली दबा के चल थोड़ा डाइजेस्ट करके आ जाती हूँ। तो और कुछ नहीं, अभी यहाँ पे देखो कितना अच्छा लग रहा है, ये बादल व्यू अच्छा लग रहा है ना पीछे का, नाक में से पानी बह रहा है कंटिन्यू से, ठंडी हवा बहुत ज़्यादा है, बहुत ठंडी। मैं तो सोच रही हूँ जब माइनस में जाएगी तब मेरा क्या हाल चाल हो, पता नहीं, फिलहाल के लिए तो काम चल रहा है। ठंड के लिए कपड़े भी खरीदने पड़ेंगे, कि बहुत ज़्यादा ठंडी है, ठंडी ठंडी ठंडी, खरीदेंगे खरीदेंगे ठंड के कपड़े भी खरीदेंगे। मेरा मन ही नहीं करता, छुट्टी थी मतलब कॉलेज की, जैसे अभी कॉलेज वेडनेसडे और थर्सडे को रहता है, बाकी दिन तो छुट्टी रहती है, मेरा काम ही क्या रहता है। मन करता है जाऊँ, फिर आलस में जाती नहीं हूँ मैं, कंटाल आने लग जाता है मेरे को। बस चल रहे अभी। अच्छा वो देखो उस तरफ जाती हूँ मैं, आप लोग को दिखाती हूँ, वहाँ पे भी व्यू है, वहाँ पे भी लोग घूमने जाते हैं, वहाँ पे जाती हूँ, कार आ रही है इसको जाने दो, फिर ही जाती हूँ। ये व्यू बहुत अच्छा लगता है मुझे, सिम कर रही हूँ।
उस दिन एक दिन बारिश आ रही थी ना, मैं बोली थी आपको ये व्यू दिखाती हूँ, दिखा नहीं पाई थी, बट बहुत अच्छा लग रहा था। बारिश आ रही थी और ऐसे झाड़ वाड़ सब हिल रहे थे और नदी जो छोटी सी नदी है वो पूरा ऐसे हो रहा था, बहुत अच्छा व्यू था ये वाला तो, बट दिखा नहीं पाई, ठीक है किसी और दिन दिखा दूंगी। कितना अच्छा लगता है यहाँ पे, बहुत लोग घूमने आते हैं वहाँ से, तो लेडीज आ रही है घूमने के लिए, लगता है इंडियन ही है ड्रेस व्रेस पहन रहे वो लोग ने, ये आवाज कर रहे हैं यहाँ पे। व्यू बहुत अच्छा आ रहा है ना, जबरदस्त व्यू आ रहा है। चलिए चलिए कहो मैं ऐसे चलिए, ठीक नहीं, ये बर्ड्स आ रही है उड़ के, वाह कितने क्यूट लग रहे हैं। कहाँ चले गए, चले गए झुंड में जा रही थी वो, देखो चली गई उस तरफ। आप लोगों को पता नहीं दिख रहा है कि नहीं वो फ्लाइट, हो देखो ऊपर जूम करूँ क्या, किधर गई वो देखो जा रही है फ्लाइट, ये लगता है कैनबरा से निकली है, जाएगी सिडनी या मेलबर्न की तरफ। उस तरफ वाला एरिया जहाँ पे हमेशा मैं राउंड मारने आती हूँ वहाँ पे गार्डन है उस तरफ ऑपोजिट साइड में, आज मैं इसके ऑपोजिट साइड में राउंड मारने आई। व्यू बड़ा प्यारा आ रहा है यार, बहुत प्यारा व्यू आ रहा है। आगे दिखाई देगा क्योंकि मैं हमेशा उस तरफ राउंड मारने जाती हूँ रोड के उस साइड, आज मैं इस साइड हूँ ऑपोजिट साइड पे राउंड मारने घूम रही हूँ, बोला नहीं जा रहा ठंड की वजह से, बोला नहीं जा रहा ज़्यादा। आई लव यू जिंदगी, आई लव नेचर एंड आई लव जिंदगी, अमेजिंग था। अब देख रहे हैं रोड के उस साइड जो देख रहे हैं ना वहाँ पे वो गार्डन है, यहाँ पे राउंड मारने आते हैं, यहाँ से क्रॉस करने के लिए शायद रास्ता है, देखती हूँ कहाँ से और फिर चलते हैं। टमाटर जैसी लाल हो गई मैं घूमती घूमती, यहाँ से रास्ता है बाहर निकलने के लिए, मुझे लगता है आगे सिग्नल है वहाँ से लेंगे। चल वो देखो सामने आपको सिग्नल दिख रहा रहेगा रेड रेड सॉरी ग्रीन ग्रीन, वहाँ से मैं क्रॉस करूँगी और जाऊँगी उस तरफ। देखो बर्ड्स बैठे हैं दो, कितने क्यूट लग रहे हैं यार रेड एंड ब्लू कलर में, भाग जाएंगे अभी ये दोनों। अब यहाँ अब उड़ के यहाँ पे आके बैठ गए हैं लोग, अब मैं थोड़ा जैसे नज़दीक जाऊँगी लोग भाग जाएंगे फिर से। ये देखो भागा नहीं वैसे, ये वो भाग गया, ये जा रहा है, ये लोग जोड़ी बना बना के बैठते हैं लोग और साथ साथ में रहते हैं लव बर्ड जैसे, एक उस तरफ बैठ गया और एक इस तरफ खंबे की तरफ बैठा हुआ है, वो देख खंबे पे, वो खंबे पे बैठा हुआ है और एक ये झाड़ की तरफ बैठ गया। ये कितना अच्छा आ रहा है ना, यहाँ से क्रॉसिंग करूँगी अभी मैं, अभी रेड सिग्नल हो गया है मुझे लगता है क्रॉसिंग के लिए खुल गया है, आगे जाके देखते हैं। शाम को लोग घूमने निकलते हैं यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे ना गेट बनाया हुआ है बहुत बड़ा, तो पूरा डेंजर रेडिएशन वगैरह सब लगा रखा है इस पर। वहाँ से सामने से आंटी आ रही है घूम के राउंड मारने आते और मैं यहाँ से, ये मेरे शूज़ के मक्कल खुल जाते हैं यार बार बार, अब इससे चलते कि वॉक कर रहा था थोड़ा वॉक करते हैं जैसे, अब तो धूप है ही अभी तक कोई नहीं है। हाँ सुबह कल की बात है परसों की बात है, सुबह मेरी ना नींद खुली 5:30-6:30 बजे, तब रोशनी हुई थी जैसे कि अभी रात को 9 बजे तक रोशनी रहती है 8:30-9 बजे तक, और सुबह जल्दी से रोशनी हो जाती है 5:30-6 बजे इतने ही होते, 5:38 कुछ हुआ था तो रोशनी हो गई थी वहाँ पे, यहाँ पे सॉरी वहाँ पे कहाँ पे बोल रही पता नहीं, यहाँ पे तो रोशनी हो गई थी इतनी जल्दी, और रात लेट नाइट तक रोशनी रहती है, तो भी दिन बड़े वैसे रशिया में था, रशिया में जब मैं गई थी
तब रात को 9 बजे तक रोशनी रहती थी और सुबह 4:30-5 बजे रोशनी हो जाती थी। चलो घर से बाहर को निकलूंगा आराम से, बच्चों को घुमाने के लिए लोग शाम को निकलते हैं क्योंकि अभी दिन बड़े हो गए तो इस टाइम पे लोग चले जाते हैं घूमने फिरने के लिए। वैसे अब जैसे जैसे जनवरी फरवरी आएगा वापस से शायद 1 घंटा बढ़ गया था यहाँ पे, जब अक्टूबर नवंबर की बात है 1 घंटा बढ़ गया था। अब जैसे ही अप्रैल मार्च आएगा शायद शायद 1 घंटा पीछे हो जाएगा वापस से, शायद ऐसे ही कुछ है। इतना तो पता है कि 1 घंटा बढ़ गया था। तो इतना अच्छा डेकोरेट कर रहा है इनका ना, मुझे लगता है कि हवा की वजह से गिर गया है डियर। ये गिफ्ट्स वगैरह रखे हुए थे शो पीस के लिए, ये अच्छा लग रहा है डेकोरेट कर रहा है। और ये रहा सामने ही जंगल, डर लगता है गुजरने के लिए, कोई नहीं रहता आसपास। जा रही ऊपर फ्लाइट, डक घूम रहे इधर, इतनी शांति है ना, कुछ नहीं दिख रहा। आप लोग को देखा रहेगा इस टाइम पे शाम को, अब तो दिन डल भी रहा है, कुछ भी नहीं, एकदम शांति। रहने के लिए डर लग रहा है कहीं दूर दूर कुछ कुछ दिखाई दे रहा रहेगा, नहीं तो शांति है। वहाँ पे कोई रनिंग कर रहा है बंदा। अब मैं ये किस तरफ आ चुकी हूँ मुझे वो भी नहीं पता है। अब मैं रास्ता ढूंढ ढूंढ के जाऊँगी, वैसे अंधेरा होने के लिए आया, जल्दी घर जाना पड़ेगा। बाहर लोगों ने फ्लावर्स लगा रखे, यहाँ पे लगाते ही है लोगों को। आपने मेरी काफ़ी सारी वीडियोस पे देखा रहेगा कि घर के बाहर अभी स्प्रिंग समर चल रहा है तो सब ये लगाते ही हैं फ्लावर्स वगैरह। पहले का तो मुझे पता नहीं, अब जब रहूँगी तब एक्सपीरियंस पता चलेगा मुझे, नहीं तो ऐसे रहता। यहाँ पे भी देखो ये डीएस वगैरह लगा रखे। अब मुझे आगे पहले घर का रास्ता ढूंढना पड़ेगा, मैं कोई और रास्ते में तो नहीं। की तरफ से ये देखो, ये वही एरिया है। मैं क्या कर रही थी, मैं वहाँ से गई ऊपर से, वहाँ से घूमती आई उसके वो रोड चल रहा है गाड़ी उसके ऑपोजिट से, उधर से घूमती 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 वो उधर से आई हूँ और यहाँ से फिर क्रॉस करते आई। ये देखो, ये आपने हमेशा देखा रहेगा ना मेरी वीडियोज़ में, और ये गार्डन है जहाँ पे बच्चे लोग खेलते हैं और मैं यहाँ पे। तो चलो अभी घर चलते हैं, टाइम हो गया है, और ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। बाय बाय, सी या, टेक केयर, मिलते हैं अगले व्लॉग में। और उससे पहले मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को आगे बढ़ाइए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, लव यू ऑल। जो बहुत पसंद आता है, और मैं आलस के चक्कर में भी इसी में खा रही हूँ कि बर्तन ना धोने पड़े अलग से। तो बस चलो अभी खाते हैं इसको, मैगी को, और फिर मिलते हैं आपसे। ये ख़त्म करते हैं और फिर राउंड मारने चलते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में करती हूँ। ये अभी पहले ख़त्म कर देती हूँ वीडियो आप लोग के साथ में, क्योंकि फिर ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बट पहले ये मैगी ख़त्म कर लूँ, फिर आपको टाटा बाय बोलती हूँ। हेलो एवरीवन, और यहाँ पे मैंने रैप ले लिया है, और ये है एग को मैंने रोस्ट करके ले लिया है, और ये है मशरूम। फटाफट सारी चीज़ें बनाते हैं। तो पहले मैं इसके ऊपर पहले थोड़ा सा ये डालूँ, क्योंकि ज़्यादा मैं तामझाम नहीं करूँगी, हल्का और जो जल्दी बन गया वो करूँगी। तो सबसे पहले मैं ये करूँगी, इसके ऊपर कुछ नहीं लगाऊँगी, मैं सिंपल बनाऊँगी मैं। ठीक है, ये हो गया। अभी इसके ऊपर मैं मशरूम डालूँगी, ये है मशरूम। इसके ऊपर मैं डालूंगी ऑनियंस, सिंपल बना रही हूँ एज इट इज सिंपल, ज्यादा तामझाम नहीं। इसमें बहुत कुछ डाल सकते हो, वेजीज डाल सकते हो, ज्यादा हो गया, वेजीज डाल सकते हो, कॉर्न डाल सकते हो, जो भी आपको चाहिए वो सब आप इसमें डाल सकते हो। अब मेरा इसका काम हो गया है, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं। अब मैं डालूंगी इसमें मायोनीज। ओपन हो जाए यार, ओपन करवा रहा है मेरा वीडियो में, ओहो ज़्यादा हो गया, सॉरी, मायोनीज हो गया। अब इसमें डालूंगी मैं पिज़्ज़ा सॉस, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं,
थोड़ी सी चीनी ज़्यादा नहीं चाहिए, और इसमें अभी एक और चीज़ डालूंगी मैं, रुको देखिए, इसमें अभी डालूंगी मैं बारबेक्यू सॉस। हो देखती हूँ, ओह शिट, बाहर कहाँ गिर गया ये, मुझे लगता है स्टक हो गया है। अब इसका काम हो गया, ये थोड़ा सा खराब हो गया, इसको देखते हैं बाद में। अब इसको करते हैं यहाँ से फोल्ड, करते हैं यहाँ से फोल्ड, और करते हैं यहाँ से फोल्ड, यहाँ से फोल्ड करेंगे इसको। सब हो गया, मुझे खाना पर करते हैं बस। सो हमारा रैप बन के रेडी हो गया है। अब मैं इसको थोड़ा सा डेकोरेट कर देती हूँ और फिर हमारा रैप बन के रेडी हो गया। टन 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 टन, मेरा रैप रेडी हो गया, सिंपल एंड सोबर। चलो इसकी थोड़ा सा शॉट ले लेते हम, शॉट ले लेते, शॉट ले लेते, ये क्या है, चलिए शॉट ले लेते, चलो। सो अभी ये मेरा खाने के लिए रेडी हो गया, मैं खाऊंगी रैप खाऊंगी और फिर मिलती हूँ आपको बाद में। बाय बाय। बहुत यम्मी लग रहा है मुझे, मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छा बना रहेगा, बाकी ऊपर नीचे क्या पता नहीं।